अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, हमारा नाम अर्षा है एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू व्लॉग। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त ब्रशिंग हो रही है और अब हम करेंगे फेस वॉश। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है और यू कैन यूज़ इट। मैंने इसको यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें विटामिन सी है जो कि स्किन को ग्लो करता है और टाइटन करता है। तो बेसिक क्लीनिंग हमने कर ली है और अब हम चलते हैं नाश्ता बनाने। तो अब हम बनाएंगे अपना नाश्ता जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ स्लाइसेस और बटर और अपनी फेवरेट चाय। चाय के बिना हिंदुस्तानियों का काम चल ही नहीं सकता। तो हम सब जितने भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, पर सुबह चाय तो हमें ज़रूर 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 चाहिए होती है। यह हमारा एनर्जी बूस्टर जो होता है। हमारी चाय थोड़ी सी गिर गई, इसको इग्नोर मारिए। और देखिए, हमने आपसे बातें करते करते नाश्ता बना लिया। सबसे पहले पियेंगे हम पानी। बिस्मिल्लाह कीजिए हमारे साथ। और नाश्ता ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद हम करेंगे अपने घर के और बाकी सारे काम इंशाल्लाह। तो घर के सारे काम हो गए हैं ख़त्म और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो है पैनकेक बनाने के लिए। आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू मेक पैनकेक। पहले हम खुद तो सीख लें सिखाएंगे नहीं, जस्ट ट्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते पर ट्राई करेंगे। तो चलो साथ में ट्राई करते हैं पैनकेक को बनाना पैनकेक्स को बनाना। सबसे पहले हम बनाना इसको कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसमें हम डालेंगे एग डालेंगे। फिर डालेंगे चीनी, उसके बाद डालेंगे मैदा। सब चीज़ें डाल के, सब इसको मिला के, बटर डाल के, मिल्क डाल के, तब मिला के एक स्मूदी बन जाएगी। और इसकी ये बहुत अच्छी बनी है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे अच्छी बन गई। तो अब हम बनाएंगे इसके डोरा केक, नहीं बनाना पैनकेक्स। ये बैटर रेडी है और अब हम इस पे डालेंगे, देखते हैं कैसा बनता है। सोडा तो मिलाना भूल ही गए थे खैर जो भी है अच्छा है। अरे ये तो जल गया कोई बात नहीं, जला भी है जो भी है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, कोई बात नहीं। हम दोबारा ट्राई करेंगे कि ये अच्छा बने। चलें हम दोबारा ट्राई करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। अब की बार शायद अच्छा बन जाए। जस्ट ट्राई, हर चीज़ ट्राई करने से ही अच्छी बनती है। डोंट थिंक इट, जस्ट डू इट। अब देखते हैं ये कैसा बनता है। दिखने में तो खूबसूरत लग रहा है, जो जल गया था वो मैंने खा लिया। अरे वाह, इसकी खूबसूरती तो चेक करें, ये अच्छा लग रहा है। पर ये फ्लपी नहीं बना है, पर ये अच्छा बना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो बनाएंगे वो फ्लपी होगा इंशाल्लाह। ये देखने में तो ठीक लग रहा है और खाने में भी यमी है, ट्रस्ट में, हम झूठ नहीं बोल रहे। टेस्ट में बिल्कुल पैनकेक जैसे लग रहे हैं, पर ये लुक में मालपुआ लग रहा है। एक काम से दो काम हो गए मेरे। मैंने कोशिश की, हार नहीं मानी। इंशाल्लाह अगले में मैंने बनाया तो इंशाल्लाह वो अच्छे बनेंगे। यकीन पे दुनिया कायम है। आज ऐसे बने तो क्या हुआ, कल को अच्छे बनेंगे। और ये हमारी मेहनत का नमूना, एक पैनकेक मेरा थोड़ा सा लेयर, उसकी जो लाइनिंग है ना वो थोड़ा सा लग रहा है डोरा केक जैसा। बाकी दो जल गए, कोई बात नहीं।
कभी अच्छा बनाओगे कभी बुरा बनाओगे, इट्स ओके टू बी ओके, बी पॉजिटिव और हर चीज़ ट्राई करो। पहले हम इसे देसी स्टाइल में खाएंगे और फिर विदेशी स्टाइल में खाएंगे। आप पैनकेक्स के ऊपर ब्लूबेरी और हनी डालकर इसको खा सकते हैं, बहुत अच्छा। और अंदर भी इसके मतलब बनाते टाइम भी आप इसमें हनी डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं क्योंकि हमारे पास नहीं था, और फ्लफी इसलिए नहीं मैंने क्योंकि बेकिंग सोडा नहीं था, पर इट्स वाज यम्मी, यस इट्स वाज सो यम्मी और खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब ये ब्लॉग होता है एंड, और आई होप आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। आज की कहानी बस इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा आपको, और हर चीज़ को ट्राई कीजिए और अपने आप से कहते रहिए आई एम द बेस्ट। कोई आपकी बेइज्जती करे या कुछ भी करे, आपको बैड वर्ड्स बोले, कुछ भी बोले, पर आप अपने आप में यकीन रखिए और अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, क्योंकि वो कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता और आपको तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो आज का ज्ञान इतना ही है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और उम्मीद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है।